Now we discuss about the Kirchhoff's second law. This is also called voltage law or mesh law or closed loop law. So यह होता क्या है कि सम ऑफ द स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस एंड टोटल ईएमएफ इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। अभी हम लोग एक क्लोज सर्किट लेंगे, सपोज करो यह एक है तो सेल है यहाँ पर जिसका ईएमएफ V1 है, इसके साथ एक रेसिस्टर लगा हुआ है R1, एक दूसरा हम लोग रेसिस्टर ले लिए R2 और एक और सेल लिए या सपोज करो कि जिसका ईएमएफ E2 है और यहां भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है या रेसिस्टर R2 मान लिए या R3 मान लिए। अब हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे, सपोज करो यहां से करंट I1 निकला और यहां से करंट I2 निकला। इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पर जब यह करंट आएगा, इनकमिंग करंट I1 प्लस I1 और I2 है तो आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 होगा। अब यही करंट इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पर जब आया तो फर्स्ट लॉ से इनकमिंग करंट I1 I2 है तो यह आउटगोइंग करंट भी I1 होगा और I2 होगा और यही करंट I1 फिर यहां जाके यहां पर नेगेटिव टर्मिनल में सेल के नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा और I2 करंट सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आकर मिलेगा। तो यहां पर हम लोग इसको नाम दे दिए A B C D E F। तो अब हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ को लिखेंगे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेसिस्टेंस इन एंड टोटल ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। देखो अब हम लोग ले रहे हैं एक क्लोज सर्किट ले रहे हैं ए बी सी डी ए यह क्लोज सर्किट है तो इसमें हम लोग का है साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे जो सबसे इजी साइन कन्वेंशन है वह है कि अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उस करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस करंट को हम लोग है सो नेगेटिव लेंगे। और सेल में जो टर्मिनल हमको पहले मिल जाएगा पॉजिटिव, अगर पहले मिला तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव मिला पहले तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब इस क्लोज सर्किट में देखो हम लोग का लूप का डायरेक्शन A B C D है, दैट इज हम लोग जाएंगे A से B की ओर जाएंगे, B से C की ओर जाएंगे, C से D की ओर जाएंगे, D से A की ओर जाएंगे। तो यहां से A से B जा रहे हैं तो हमको सेल मिला या पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो हम लोग पहले लेंगे E1 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग लेंगे माइनस I1 R1। B से C के बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, C से D की ओर जाएंगे तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे I1 प्लस I2 R2 और डी से ए में कोई रेसिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है और टोटल ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो यहां पर है तो हो गया कि I1 R1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू ईएमएफ E1। इसको इक्वेशन 1 ले लिया हम लोग। अब इसी तरह हम लोग इस क्लोज सर्किट में भी ले सकते हैं, सपोज करो कि हम लोग क्लोज सर्किट ले लिए DCFED, क्लोज सर्किट DCFED यह क्लोज सर्किट है तो हम लोग डी से सी जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन डी से सी है तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस I1 प्लस I2 इंटू R2। सी से एफ में रेसिस्टर नहीं है, एफ से इधर आएंगे हम लोग तो लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है
तो पॉजिटिव होगा आई टू आर थ्री। अब यहाँ पर सेल में हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल हमको मिला, तो हम लोग माइनस ले लेंगे ई टू, और इसके बाद कोई रेसिस्टर नहीं है तो टोटल हो गया जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू प्लस आई टू आर थ्री इक्वल टू ई टू, यह इक्वेशन टू हो गया। अब दो इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमको मिलता है तो इससे हम लोग आई वन और आई टू का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ का है, तो हम लोग फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब देखो हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, सपोज यहां से करंट निकला आई वन और इस सेल से करंट निकला आई टू, या दोनों करंट इस जंक्शन पर आया तो यह करंट का वैल्यू यहाँ से निकलेगा आई वन प्लस आई टू, फर्स्ट लॉ यहाँ यूज हो रहा है। अब यही करंट यहाँ सी पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आई वन करंट यहाँ पर इधर गया, आई टू करंट इस साइड गया। अब यह करंट आई वन इधर आया और नेगेटिव टर्मिनल में गया, इधर आई टू करंट नेगेटिव टर्मिनल में गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि आई टू करंट है सो निकला था फोर वोल्ट बैटरी से, तो आई टू करंट इन भी कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि सो आई वन करंट निकला है सिक्स वोल्ट बैटरी से, तो आई वन करंट इन भी कर रहा है, इसका मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही है। अब हम लोग एक क्लोज लूप लेंगे, देखो ए बी सी डी ए, तो क्लोज लूप है ए बी सी डी ए, मतलब लूप का डायरेक्शन है ए से बी से सी से डी और डी से ए। तो यहाँ से देखो ए से बी हो गया, बी से सी की ओर है, करंट का वैल्यू है आई वन प्लस आई टू, रेसिस्टर है यहाँ पर 2 ओम प्लस होगा, चूंकि लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए यह प्लस हुआ। उसके बाद सी से डी और डी से ए की ओर जाएंगे तो यहाँ करंट का वैल्यू आई वन है इसलिए हो गया आई वन इन टू वन, और यह नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर 2i1 प्लस i1, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, मान लो यह इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे, दूसरा क्लोज लूप लेंगे बी सी ई एफ बी, बी सी ई एफ बी, यह क्लोज लूप का डायरेक्शन है बी से सी की ओर, सी से ई की ओर, ई से एफ की ओर, फिर भी तक। तो बी से सी की ओर रेसिस्टेंस है 2, टू आई वन प्लस आई टू, यहां पर आ जाओ ई से एफ की ओर तो यहां पर करंट का वैल्यू है आई टू, तो 2 इंटू आई टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 4, और इसको हम लोग छोटा कर देते हैं तो i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, लीनियर इक्वेशन है तो हमको i1 और i2 करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन है 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा 2i1 इज इक्वल टू 4, देन i1 इक्वल टू 4 बाय 2 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब इस वैल्यू, इस करंट का वैल्यू को अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप कर देंगे तो हमको ऐसे i2 का वैल्यू निकल जाएगा। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, देन इट बिकम इक्वेशन 1 इज द 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 प्लस 2i2 इक्वल टू 6, देन 2i2 इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
सो आई टू इक्वल टू जीरो। यह आई टू का मिल गया वैल्यू और आई वन का हमको वैल्यू हो गया टू एम्पियर। तो आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू टू एम्पियर। देन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल टू टू इंटू टू इक्वल टू फोर वोल्ट।